नहीं चलेगी। निकोस को लाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बास्ता कोला में वर्षों से चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा, नहीं चलेगी। प्रशासन सब जानती है फिर भी है मौन, आखिर क्यों? गणेश निषाद। जिस्म फरोशी धंधा खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस बेगुनाहों को झूठा केस में फंसा देती है। बास्ता कोला के ग्रामीणों ने झरिया थाना गेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। झरिया 12 वर्षों से बास्ता कोला में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। अगर कोई स्थानीय जिस्म फरोशी धंधे के खिलाफ विरोध करता है तो उसे झूठा केस में फंसा दिया जाता है और प्रशासन भी उसे पकड़ कर थाना ले आती है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि झरिया थाना की मिलीभगत से ही यह धंधा चल रहा है। यह उक्त बातें 3 जनवरी मंगलवार को बास्ता कोला आटा चक्की के रहने वाले गणेश निषाद ने झरिया थाना गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण स्थानीय पुलिस बेगुनाहों को झूठा केस में फंसाना बंद करो, बास्ता कोला में चल रहे जिस्म फरोशी धंधा बंद करने का नारे लगा रहे थे। गणेश निषाद ने कहा कि प्रशासन को सब मालूम है क्या हो रहा है, इसके बावजूद चुप है। झरिया नगर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की महामंत्री रेखा देवी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से बास्ता कोला में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, इससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। धंधे को लेकर अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। झरिया पुलिस बास्ता कोला क्षेत्र में हो रहे गलत धंधे को जल्द बंद करने की मांग की है। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राकेश पासवान, गणेश रजक, भोला पासवान, गौतम पासवान, रेखा देवी, राजकुमार, कर्ण कुमार, रमेश कुमार आदि शामिल थे। इधर झरिया पुलिस बास्ता कोला सामुदायिक भवन के समीप मारपीट मामले में पकड़े गए आरोपी को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। कि ठीक है, अगर पप्पू यादव अगर कोई कर्म किया है ठीक है, उसका भी एक समस्या है। आप जो लेडीज के साथ में किया है वो लेडीज की बुलाइए कि उनका भी विरोध होगा। कहे कि लेडीज हम हो या वो लेडीज कस्टमर हो, सबके साथ में एक ही कानून है। उनका साथ में हमको बुलाइए, उनसे हम प्रूफ मांगे कि क्या हुआ, नहीं उनका हाथापाई हुआ है या पप्पू यादव किया। अगर सच में ऐसा किया तो उसका साथ कानूनन जो भी होगा कानूनन होना है ही चाहिए। और रह गया सवाल कि वो लेडीज के रेनू के लेडीज के, हम लोग चाहते हैं कि उसको हटाया जाए। आज उसका साथ में कल मेरा भी मर्द हो सकता, कल मेरा भी बेटा हो सकता, कल मेरा भाई भी हो सकता। सबके साथ में वो कर्म करने के लिए उसका मजबूत हो गया तो मजबूत कौन किया है? प्रशासन किया। जब हम प्रशासन कितना बार बोला गया कि इसको हटाया जाए तो प्रशासन हम ही लोग को धमकी दिया जाता है। रेणु देवी अथी चलाती है, दो नंबर का धंधा चलाती है रेणु देवी। हाँ वो चलाती है, कई बार वहाँ पुलिस लोग गया है, वहाँ क्या कर सकता है पुलिस लोग? कुछ भी नहीं। वो लोग जाता खुद वो लोग घूर के चला आता, इसका मतलब उसका मन बढ़ गया है। हम लोग चाहते हैं उसको हटाना चाहते हैं। थाना है क्या? थाना है पप्पू यादव को छोड़ाने के लिए हम लोग आए हैं। वो निर्दोष है, वो हम वो निर्दोष है और उसको हमको लेके जाना है। थाना हम लोग इसलिए पहुँचे हैं कि एक पप्पू जो यादव है वो निर्दोष है, उसको ले आया है वहाँ। रेकी बहुत दिन से चल रहा है, लड़की का धंधा कर तो आती है रेनू, जो काफ़ी 10-12 साल से चल रही है। जो भी उसका विरोध करता है उस पर वो केस करने का काम करता है, थाना के माध्यम से सपोर्ट करने का काम करता है। बस वो लड़का गया था वहाँ पे, वही जब लड़का लोग आया था, वो लड़की लोग मंगाया था, उसी पर विरोध करता है। गाँव के लोग हैं तो हम तो विरोध करेंगे ही, हम तो गलत होने देंगे नहीं। उसी पे जो भी विरोध करता है ये थाना वाला उल्टा उसी को ले आते हैं। सिर्फ पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ, किसी के द्वारा एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये बार बार उसमें ये संज्ञान लेने रहे हैं प्रशासन, लेकिन निर्दोष लोग के उठा के लेके बंद कर रहे हैं। काफ़ी हमारे जो आए हैं पप्पू यादव उनको काफ़ी चोट भी है, काफ़ी मारा भी गया है, लग रहे वो जैसे कि कोई मैंने टेररिस्ट है। बहुत बड़ा अपराधी मामला बस्ता कोला। कब से चल रहा है वहाँ? 12 साल से 13 साल से चल रहा है भैया। क्या प्रशासन को खबर नहीं इसकी? पूरी खबर है, वो तो बंद करवा नहीं रहा। कोई निर्दोष आवाज़ उठा रहा, कोई गरीब आवाज़ उठा रहा तो उसको पकड़ के ला के बंद करने का काम कर रहा है।
यही प्रशासन का काम है। तो क्या लगता है 12 साल से जो चल रहा है ये प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है? मेरे को तो लग रहा मिली भगत है वो। आप लोग का क्या मांग? हम लोग को मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और तुरंत उसको बंद करवाया जाए वहाँ पे, कार्रवाई किया जाए, ये निर्दोष पप्पू को छोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी आप लोग थाना है, पुलिस से बात की है? पुलिस हम लोग से ढंग से बात नहीं कर रही है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे जाइए आप लोग, ना उसको गार्जियन को मिलने दे रहा ना किसी से, एक क्या मतलब है? अरे हमारे लोग तो मिलने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए, फिर वो उल्टा सीधा बोल रहा है कि इस पे हुआ उस पे हुआ, कुछ भी तो दिखाइए प्रूफ। हम तो पूरा बस्ता कोला से प्रूफ दिखा सकते हैं कि वो धंधा चला रही है 12 साल से, एक एक घर से बयान करवा सकते हैं, एक एक घर बोलेगा, औरत बच्ची लड़की सब बोले।